वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे सीएसए मॉडल और ट्रिपल ए मॉडल। तो सबसे पहले सीएसए मॉडल देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस मॉडल। अ पर्टिकुलर सर्विस मॉडल डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर। तो सिंपल है कि सीएसए मॉडल में आपको बताता है कि जितने भी क्लाउड टाइप्स है या मॉडल्स है उनके बीच में जो बाउंड्री जो बना रहता है उनका क्या फंक्शनैलिटी है, वो कैसे एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बस वही डिफाइन करता है। सी एस ए स्टैक मॉडल डिफाइन द बाउंड्रीज बिटवीन ईच सर्विस मॉडल एंड शो द डिफरेंट फंक्शन यूनिट्स रिलेटेड टू ईच अदर। बस यही है इसका मॉडल के बारे में। तो पहले इसको आपको देख लेते हैं कि सबसे नीचे आता है ईएएस, फिर उसके बाद पैस। ईएएस में आप देख सकते हैं ये सब फीचर्स है, फैसिलिटीज, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, कोर कनेक्टिविटी एंड डिलीवरी एपीआईज, ठीक है। फिर पैस में आपका आ जाता है इंटीग्रेशन और मिडलवेयर। फिर सैस में ये सब चीज़ ऐड हो जाएगा, डेटा मेटा डेटा एप्लीकेशन, फिर ये सब चीज़। फिर ये आपका फिर बाउंड्री दिखाता है। ईएएस का बाउंड्री ये वाला है, ठीक है, ये बाउंड्री है। फिर पैस का बाउंड्री ये है और सैस का बाउंड्री ये है, ठीक है। तो बस वही अब देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या है इस मॉडल के। ईएएस इज द मोस्ट बेसिक लेवल, सबसे नीचे रहता है। ईच ऑफ द सर्विस इनहेरिट्स द कैपेबिलिटीज एंड द सिक्योरिटी कंसर्न मॉडल बीनीथ। मतलब जो भी नीचे वाला है, सपोज के लिए ईएएस के ऊपर पैस है, तो पैस में भी ईएएस का फीचर रहेगा, सैस में पैस और ईएएस दोनों का फीचर रहेगा और सिक्योरिटी कंसर्न भी रहेगा। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाई, मतलब ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ये तीनों से आता है। द सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिलो द सिक्योरिटी बाउंड्री मस्ट बी बिल्ट इन टू द सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाई द कस्टमर। वही बाउंड्री के नीचे मतलब बताना होता है सिक्योरिटी कंसर्न क्या क्या है और ये कस्टमर से मेंटेन होना चाहिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिपल ए मॉडल, दैट इज ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो देखते हैं पहले से पहले क्या होता है ये। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग इज अ सिस्टम फॉर ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटीज ऑन आईपी बेस्ड नेटवर्क एंड कंट्रोलिंग देयर एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज। ए इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड एज अ डेडिकेटेड सर्विस। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये नेटवर्क आईपी बेस्ड नेटवर्क पे काम करता है और कंट्रोल करना है एक्सेस ऑफ यूजर टू नेटवर्क रिसोर्सेज। नेटवर्क रिसोर्सेज को कौन कितना यूज करेगा ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन रेफर्स टू द यूनिक आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच सिस्टम यूजर जनरली इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर्स एंड ऐड और डिलीट। यहाँ पे क्या होता है, हर एक यूजर को एक अलग आइडेंटिटी होता है उसका यूजर नेम और पासवर्ड से, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मॉनिटर करता है किसको ऐड करना है, किसको डिलीट करना है और किसको ऑथराइजेशन देना है, ऑथेंटिकेशन देना है, ठीक है। फिर ऑथराइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड डिनाइंग इंडिविजुअल यूजर एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स रिसोर्सेज। तो वही जब से आप जितना भी आपका ये यूजर्स होता है उनको ऐड करना या उनको ब्लॉक करना कि इसको हमको यही चीज़ एक्सेस करने देना है, इसको ये चीज़ एक्सेस नहीं करने देना है, ये चीज़ ऐसे है। Users may be given different authorization levels that limit their access to the cloud network and associative resources. Suppose कर लीजिए आप storage के लिए खरीदे हैं, उनको storage मिला है पर हमको suppose कर लीजिए network नहीं मिला है या OS नहीं मिला है, तो वो चीज़ authorization होता है। Authorization geographical location restriction date time ये सब चीज़ को भी ध्यान पे देख के करता है। Other associated types of authorization include root assignments, IP address filtering, बैंडविड्थ फिल्टरिंग, ये सब चीज़ होता है, एनक्रिप्शन भी होता है। सब मैकेनिज्म्स या वेज है ऑथराइजेशन करने के। लास्ट है कि अकाउंटिंग रेफर्स टू द रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ यूजर एक्टिविटीज ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो और अकाउंटिंग मतलब कि लिखना क्या क्या यूजर कर रहा है, ट्रैक करना, रिकॉर्ड रखना है उसका एक्टिविटीज को कंप्यूटर नेटवर्क पे। फॉर ए गिवन टाइम पीरियड दिस में इंक्लूड बट इट इज नॉट लिमिटेड टू रियल टाइम अकाउंटिंग और स्पेंट एक्सेसिंग द नेटवर्क। ये है कि टाइम स्पेन को भी वो देखता है कि कौन कितने देर लॉग इन करके रखा है, कितना यूज़ कर रहा है, टाइम स्पेंट ऑन एक्सेसिंग द नेटवर्क सर्विसेज एम्प्लॉयड, क्या क्या यूज़ हो रहा है, कैपेसिटी कितना यूज़ हो रहा है, एनालिसिस भी करता है कितना कॉस्ट एलोकेस हो रहा है, बिलिंग डेटा, लॉग इन डेटा, हर एक चीज़ को ये मैं ऑडिटिंग करता है, मतलब रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ता है ये एडमिनिस्ट्रेटर को भी भेज देता है डेटा। तो ये थे ट्रिपल ए मॉडल और क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस मॉडल। तो अगर आपको फिर भी कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।